अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम अब डेटाबेस की डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे मज़ीद, और देखते हैं कि डेटाबेस में जब आप डेटा को रखवाते हैं तो उस डेटा को निकालना हो, रिट्रीव करना हो, तो हम कैसे करते हैं। डेटा को निकालने को हम क्यूरी भी कहते हैं नॉर्मली, कि क्यूरी करें डेटाबेस के ऊपर, तो वो कैसे करते हैं। सो उस मकसद के लिए हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया जिसका नाम टेस्ट है, एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम यूज़र्स है। उस टेबल के अंदर हमने कुछ कॉलम ऐड किए हैं, यूज़र आईडी, लॉगिन पासवर्ड, नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल, एज, और कुछ उनके यहाँ पे टाइप डिफाइन की है। और इस कॉलम को हमने कहा ये प्राइमरी की कॉलम है। और उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर कुछ डाटा एंटर किया है डिज़ाइनर मोड में। लेकिन ये डिज़ाइनर मोड को हमेशा यूज़ करना इतना आसान नहीं होता, और आप कोशिश करते हैं कि हम किसी और तरीके से काम कर सकें। तो डेटाबेस की एक ज़बान है जिससे हम डेटाबेस से बात कर सकते हैं। याद है हमने कहा था कि डेटाबेस का इंजन पीछे है जो कि हमारी कमांड्स को अंडरस्टैंड करता है और कमांड्स के मुताबिक प्रोसेसिंग करता है। जीयूआई सिर्फ हमारे लिए एक हेल्पिंग बनाया गया जिसके थ्रू हम एक चीज़ों को नज़र आता है। हो सकता है डाटा आपका पीछे इस तरह ना पड़ा हो जैसे आपको नज़र आ रहा हो, सकता है डाटा की डिफरेंट ये कहीं और पड़ा हो, ये कहीं और पड़ा हो, आपको नहीं पता। लेकिन जीयूआई आपको डाटा को लाकर एक बड़े अच्छे व्यू के अंदर आपको दिखा रहा है कि इस टेबल के अंदर ये कॉलम्स हैं, उनमें ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप इनको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं एक्सेल की तरह, एंड सो ऑन। लेकिन जब आप ज़्यादा काम किया करेंगे तो फिर आप क्यूरी इस्तेमाल लैंग्वेज इस्तेमाल किया करेंगे जिसको हम डेटाबेस की ज़बान में, डीबीएमएस की ज़बान में एसक्यूएल कहते हैं। एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि एसक्यूएल सर्वर में भी चलेगी, वो माई एसक्यूएल में भी चलेगी, ओरेकल में भी चलेगी, जितने भी डीबीएमएस होंगे वो सब एसक्यूएल को फॉलो कर रहे होंगे। और उसका एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है जो कि आपने एक दफ़ा सीख लिया तो आप उन डेटाबेस में जाकर चला सकते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, एसक्यूएल आपको कुछ ज़्यादा फीचर दे देगा प्रोग्रामिंग करते वक्त, ओरेकल का आपको कुछ और फीचर दे देगा, कुछ नए कीवर्ड दे देगा, और माई एसक्यूएल कुछ नए कीवर्ड दे देगा जो कि आप जब उनको देखेंगे तो आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड है और ये सब में जाके सेम तरीके से इस्तेमाल होगी। अच्छा, जब आपने अगर एसक्यूएल सर्वर में क्यूरी करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, आप किसी डेटाबेस पे क्लिक कर लें। जैसे मैंने टेस्ट पे क्लिक किया है तो ऊपर आपको न्यू क्यूरी का आइकन नज़र आ रहा है, कंट्रोल एन भी दबा सकते हैं, इसको भी दबा सकते हैं, तो एक क्यूरी विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ मैं कुछ लिख सकता हूँ इस तरह करके। उसके बाद आपने ये ख्याल करना है कि आप जिस डेटाबेस पे क्यूरी करने जा रहे हैं क्या वो डेटाबेस यहाँ पर सिलेक्टेड है टॉप पे हमारे पास यहाँ पे, अगर नहीं सिलेक्टेड तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे बेसिकली। ये गलती नॉर्मली शुरू में होगी कि आप क्यूरी कर रहे होंगे और आपकी क्यूरी नहीं चल रही होगी बिकॉज आपके पास यहाँ पर राइट डेटाबेस सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम क्यूरी जो सीखते हैं, मैं इधर से जाके अपने इस क्यूरी का जो है वो जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। जो हम पहले चीज़ देखते हैं कि अगर डाटा को अपने इस टेबल से निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास जो क्यूरी की स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, यानी मैं लिखूंगा सेलेक्ट। इंग्लिश सिंटेक्स यूज़र फ्रेंडली करने की कोशिश की गई है इसके अंदर ताकि आप ये काम इंसान की तरह जिस तरह सोचते हैं वैसे ही अपनी क्यूरी लिख सकें। सेलेक्ट के बाद बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इस टेबल से क्या चाहिए। मैं कहूंगा जी स्टार, एक स्पेशल हमारे पास एक करेक्टर है, इसका मतलब होता है मतलब होगा ऑल कॉलम्स। फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम, आगे बताऊंगा मैं डाटा कहाँ से लेना है, तो मैं लिखूंगा डीबीओ डॉट, मेरे जो टेबल का नाम है डीबीओ डॉट यूजर्स, पहले स्कीमा लिखूंगा फिर डॉट के बाद उस टेबल का नाम लिखूंगा। अगर मैं डीबीओ ना लिखूं खाली यूज़र लिखूं तो बाय डिफॉल्ट वो डीबीओ ही साथ समझता है। जब मैंने ये काम लिखा, जिस तरह आप अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है तो आपको पता है कि वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं, यहाँ पे आप सेमी कोलन लगा लें ना लगाएं कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप ये बटन दबाएंगे एग्जीक्यूट का, F5 दबा दें, ये बटन दबा दें, अब आपकी क्यूरी चलेगी और आप देखिए नीचे आपको उस क्यूरी का जो रिजल्ट आया, ये क्यूरी हमारे पास डेटाबेस इंजन के पास गई, उस डेटाबेस इंजन ने इस क्यूरी को पार्स किया, अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसने वो डाटा जहाँ हार्ड डिस्क पे स्टोर था वहाँ से निकाला और हमें लाकर उसे एक फॉर्मेटेड वे में दिखा दिया। ये फ़ायदा है जीयूआई का। आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट से एसक्यूएल अपने इंजन से कनेक्ट करके ये क्यूरी भेज के भी डाटा ले सकते थे, ठीक है। अब अगर आप स्टार का मतलब था ऑल कॉलम्स, लेकिन अगर आप कहते हैं मैंने सिर्फ ये दो तीन कॉलम देखने हैं तो आप उन कॉलम्स के नाम लिख दें स्टार की जगह पे, आप कहते हैं यूज़र आईडी कॉमा लॉगिन कॉमा नेम कॉमा एज, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये चार कॉलम गेट करने हैं, तो जब मैं इस तरह करूँगा और F5 करूँगा तो मुझे वो चार कॉलम मिल जाएंगे। सो आपने सेलेक्ट के बाद बताना है कि मुझे कौन से कॉलम चाहिए, ऑल कॉलम चाहिए स्टार लगा दें, लिमिटेड कॉलम चाहिए तो आप उस तरह कॉमा सेपरेट करके दे दें उनको। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि जी आप इसको मल्टीपल लाइन पर भी जा सकते हैं, आप कहते हैं सेलेक्ट एक लाइन पे चला जाए, कॉलम एक लाइन पे आ जाए, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए तब भी कर सकते हैं, कोई इसमें एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं फ्रॉम डीबीओ इधर लिख दूँ, डॉट यहाँ लिख दूँ और यू यहाँ कर दूँ, ऐसे ऐसे कर दूँ, ऐसे नहीं कर सकता। आपने पूरे का पूरा जो एक वर्ड है उसको आपने इकट्ठे रखना है, ये ख्याल करना है आपने। अच्छा, तो हम इस वाले जो कॉलम लिखते हैं इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इस चीज़ को।
फिर हम बताते हैं कि हमने डाटा कहाँ से सिलेक्ट करना है वो बताते हैं, और फिर आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल चीज़ कर सकते हैं वो वेयर क्लॉज है। आप वेयर क्लॉज लिख के अपनी कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन जिस तरह आप सी शार्प में काम करते हैं वैसे ही कंडीशन होंगी कि आप अपने पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ मेंशन करेंगे, फिर कोई ऑपरेटर देंगे, फिर राइट हैंड साइड पे मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी मैं ये कॉलम मेंशन करने की बजाय सिंपली यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे रिजल्ट देखने के लिए पहले हम ये कहते हैं कि मैं, और मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मैंने खास टेक्स्ट सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, मैं उसको सिलेक्ट करके इस तरह क्यूरी चला सकता हूँ। ये रिजल्ट है, मैं कहता हूँ मैंने वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनके नाम, जिनका नाम जो है वो बिलाल है फॉर एग्जाम्पल, तो कहता हूँ वेयर नेम इज इक्वल टू, और स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे डबल कोट यूज़ कर, सिंगल कोट यूज़ करना है। अब मैंने ये कहा है कि मुझे वो सिलेक्ट स्टेरिक ऑल कॉलम लेके आओ यूज़र के टेबल से जहाँ पे जो नेम का कॉलम है वो इस वैल्यू के इक्वल है। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ इस तरह सेलेक्ट करके, या सिंपली मैं ये कर देता हूँ एग्जीक्यूट, तो मेरे पास वो रिजल्ट आ गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह आप कह सकते हैं कि जी नहीं, मैंने ये देखना है कि जिनकी जो एज है वो 70 से ज़्यादा है, वेयर एज ग्रेटर देन 70। तो ये देखिए बेसिक मैथ का ऑपरेटर है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया, ग्रेटर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये ऑपरेटर अवेलेबल है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे वो रिकॉर्ड मिल जाएगा जिनकी एज 70 से ज़्यादा है। अगर मैं कहता हूँ नहीं एज ग्रेटर देन इक्वल 70 हो, वो भी कर सकता हूँ, मुझे वो रिकॉर्ड मिल जाएंगे। लेस देन अगर आपने करना है वो भी कर सकते हैं आप इस तरह करके, लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करके, ठीक है। सो आप बेसिकली अगर थोड़ी सी बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आइडिया है तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग को ध्यान में लाते हुए अपनी यहाँ पे प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग कर सकते हैं। अगर आपने दो कंडीशन लगानी है कि जी मेरे पास एक कंडीशन ये है और लॉजिकल एंड या और का ऑपरेटर अवेलेबल है, जैसे प्रोग्रामिंग में अवेलेबल होते हैं आपके पास यहाँ पे एंड का वर्ड अवेलेबल है, और का वर्ड अवेलेबल है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट इंग्लिश का यानी नॉट अवेलेबल है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलियन कंडीशनिंग का अगर आपको आइडिया है, तो मैं कहता हूँ मुझे वो लोग मिले जिनकी एज 70 से लेस है और जिनका लॉगिन जो है लॉगिन वो इक्वल टू यूज़र 3 है, ये मुझे वो लोग ला के दें। अगर अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब वो दोनों को चलाएगा, यानी पहले वो देखेगा कि मेरे पास इसको फ़िल्टर करेगा इसकी बेस पे, और जब फ़िल्टर रिजल्ट हो जाएगा तो फिर वो सारे कॉलम उस रिजल्ट के लेके आ जाएगा। तो अब देखिए आपके पास एक रिजल्ट आ गया। इस तरह अगर आप कहते हैं मेरे पास जी मैंने वो लोग देखने हैं जिनका यूज़र आईडी जो है वो 3 है या 4 है, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है, मैं कहता हूँ यूज़र आईडी जिनका 3 हो और यूज़र आईडी 4 हो, मैं मुझे वो लोग मिल जाएं, मैं ये काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ये देखें। सो अब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आपको वो लोग मिल जाएंगे। और इसको अगर मैंने सिंपल वे में करना हो तो आपके पास एसक्यूएल के अंदर एक ऑपरेटर होता है, से बोलते हैं इनका ऑपरेटर, आप इनमें यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं, यानी अगर आपका एक ही कॉलम मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होना है और के साथ, यानी यूज़र आईडी इक्वल टू 3 और यूज़र आईडी इक्वल टू 4 और यूज़र आईडी इक्वल टू, तो आप इनका ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें, इसमें वैल्यूज दे दें 3,4 फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको वो सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे जहाँ पे यूज़र आईडी 3 या 4 होगा, वो रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपको। देखिए मैंने सेलेक्ट किया था तो उसने खाली इसी को चलाने की कोशिश की है, तो ये गलती नहीं करनी है आपने, दे आपके रिजल्ट आ गए। अगर आपने कोई रेंज फॉलो करनी है, आप कहते हैं जी मुझे वो सारे रिकॉर्ड मिल जाएँ जिनकी जो एज है वो 60 और 70 के दरमियान है, अभी हमारे पास दो लोग हैं तो उसको कैसे करेंगे, आप कहेंगे यूज़र आईडी बिटवीन का आपके पास अवेलेबल ऑपरेटर बिटवीन, और यहाँ पे हम लिखते हैं एज बिटवीन क्या है जी, एज बिटवीन 50 एंड 60, तो देखें इस पे क्या होगा आपके पास रिजल्ट। तो नोट करें कि यहाँ पे इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड एज लेस देन इक्वल टू 60, तो बिल्कुल ये इसका जो है वो अल्टरनेट वे ये काम करने का है, इसकी जगह आप ये वाला काम करें, दोनों तरीकों से रिजल्ट सेम आएगा। अगर आपने अपने पास इधर लिखते वक्त किसी एक लाइन को कमेंट करना है कि वो लाइन मेरे पास एग्जीक्यूशन का पार्ट ना बने, तो आप उस लाइन से पहले ये डैशेज लगा दें इस तरह करके, तो अब आपको ये जो लाइन है देखिए कलर चेंज हो गया, ये पार्ट नहीं है क्यूरी का, जब मैं चलाऊंगा तो इसके बगैर सारा कोड चलेगा जो मैं कोड चलाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप स्ट्रिंग से प्ले करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे वो सारे लोग मिलें जिनके नाम में फॉर एग्जांपल कहीं पे AL आ रहा है, अब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ वेयर नेम, आपके पास लाइक का ऑपरेटर अवेलेबल है, लाइक के बाद आप अपने सिंगल कोट के अंदर अपनी कंडीशन बताएंगे। अगर मैं कहता हूँ लाइक फैसल, इसका मतलब ये कि मुझे वो सारे लोग मिलें जिनका जो नाम है वो फैसल हो, अब इसमें एग्जैक्ट मैच होगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं जी मुझे शुरू का नहीं पता, मुझे ये पता कि आखिर में AL आता है, शुरू में जो कुछ मर्जी है, तो आप परसेंटेज का साइन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा अब आपके वो तमाम नाम जिनके आखिर में AL आ रहा होगा, शुरू में एक करेक्टर आए, पांच करेक्टर आए, वी डोंट केयर, वो सारे लोग लेके मेरे पास आ जाओ, इस केस में हमारे पास दो लोग मिल गए हमें ये वाले। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि उनके आखिर उनके दरमियान नाम के दरमियान में कहीं पे AIS आता है
और शुरू में कुछ परसेंटेज लगा सकते हैं, आखिर में भी आप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये कि शुरू में जो मर्ज़ी आए, आखिर में जो मर्ज़ी आए, दरमियान में कहीं ये आ रहा है तो वो लोग मुझे मिल जाएं। अगर आप कहते हैं कि जी इस तरह हो, शुरू में कुछ आए, फिर एक ए आए, फिर कुछ भी आए, कुछ भी आए, फिर हमारे पास इस आए, फिर परसेंटेज, तो आप जितने मर्ज़ी ये लगा के रिज़ल्ट गेट कर सकते हैं। अगर आपने नॉट वाला काम करना, आप कहते हैं कि जी मेरे पास नॉट लाइक या नॉट इक्वल टू, अब दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट कहते हैं जी लाइक, कहते हैं जी लाइक इसके लाइक ना हो, फैसल के ना मैच करता हो, वो आप कैसे कर सकते हैं। अब देखें कि वो पहले इस कंडीशन को चलाएगा, उसके अलावा जो रिज़ल्ट है वो आपको उसने दे दिए हैं, तो आप नॉट का ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते थे कि जो हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल यूज़र आईडी नॉट इन 1,3, अब ये उल्टा हो जाएगा, 1 और 3 के अलावा सारे लोग लेके आपके पास आ जाएगा, जो 1 और 3 के अलावा लोग होंगे, यूज़र आईडी। देखिए एरर भी काफ़ी हेल्पफुल है, आपको ये एरर भी अंडरस्टैंड करने आने चाहिए कि हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़, तो ये बेसिक अभी हमने ये देखा है कि आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से डाटा निकाल सकते हैं। और याद रखें, पहले भी बात कर चुके हैं कि डेटाबेस में जब आप काम कर रहे होंगे, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई 1,000 क्यूरीज चलनी है, तो आइडियली 1,000 में से 100 क्यूरीज इंसर्ट अपडेट यानी डाटा को डालने की, चेंज करने की होंगी, बल्कि 90% क्यूरीज जो होंगी वो सेलेक्ट की होंगी। डाटा निकालना ज़्यादा काम होता है। मिसाल के तौर पे क्विक इन्फो को देख लें आप, अगर साइट का आपको आइडिया है तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि डाटा तो उन्होंने एक दफ़ा डाल दिया है, लेकिन हम आए रोज़ डिफरेंट तरह के स्टैट निकाल रहे होते हैं। तो डाटा डालना एक दफ़ा की एक्टिविटी है, लेकिन निकालना, रिपोर्ट्स निकालना, वो बार बार एक्टिविटी होती है। इसलिए सेलेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसका आपको आना चाहिए। सेलेक्ट के अंदर एक चीज़ और एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। वो ये है, जब आप यहाँ पे कॉलम दे रहे हो, तो कॉलम को अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले में मेरे पास कॉलम आते हैं, हेडर आ रहे हैं, ये मेरी मर्ज़ी के आएँ, कोई खूबसूरत हेडर आएँ, वो कर सकते हैं। कैसे, आप कॉलम के बाद एज लिखें और या ना लिखें, एक ही बात है। एज लिख के आप अपने सिंगल कोट के अंदर अपना वो एलियस दे दें। मिसाल के तौर पर कहता हूँ जी यूज़र आईडी, मैं ये चाहता हूँ एलियस आए। अगला लॉगिन, उसका एलियस ना आए, ठीक लग रहा है। पासवर्ड का एलियस ना आए, नेम का एलियस ना आए, ठीक है। और ईमेल का भी एलियस हम देना चाहते हैं कि एज माई यूज़र ईमेल, इस तरह का हम हेडर चाहते हैं कि ये नज़र आए। तो देखिए, मैंने उसको जिस जिस कॉलम का मैंने एलियस देना था कि वो मुझे डिस्प्ले में नज़र आए, मैंने वो एलियस दे दिया एज करके। अब अगर आप इसको चलाएंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है उसमें वो कॉलम नज़र आएगा जो मैंने एज में दिया है। समटाइम आपको ये करना पड़ता है, इसलिए इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम ये कैसे करेंगे। सो आई होप सो कि इस बेसिक इंट्रोडक्शन की समझ आई होगी। अगर आप लोग पहले डेटाबेस से काम करते आ रहे हैं, तो ये बड़ा इनिशियल लेवल का आपको वीडियो लगी होगी, लेकिन जिन लोगों ने डेटाबेस सीख रहे हैं उन उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट तरीकों से डाटा डाल के टेबल के अंदर और क्यूरी चला के देखें और समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है।